जय माता की। दोस्तों, पहले तो शारदीय नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, लेकिन इन सभी में से शारदीय नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत भगवान राम ने की थी। लंकापति रावण का वध करने से पहले श्री राम ने 9 दिनों तक माँ का विधि विधान पूजा की और फिर 10वें दिन रावण का वध कर दिया। इस साल नवरात्रि 29 सितंबर दिन रविवार से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक रहेगी। 8 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी मनाई जाएगी। जानते हैं नवरात्रि में किस दिन किस माँ की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। 29 सितंबर 2019 नवरात्रि दिन प्रथम प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा, घट स्थापना। इस दिन माता को शुद्ध देसी घी अर्पित से सभी प्रकार के कष्टों और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। 30 सितंबर 2019 दिन सोमवार, नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। इस दिन माता को शक्कर, सफ़ेद मिठाई, फलों, मिश्री आदि का भोग लगाना चाहिए। 1 अक्टूबर दिन मंगलवार, नवरात्रि तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा की पूजा। इस दिन माता को दूध से बने मिष्ठान, खीर आदि का भोग लगाया जाना चाहिए। 2 अक्टूबर दिन बुधवार, नवरात्रि दिन चतुर्थी, माँ कुष्मांडा पूजा। इस दिन देवी माँ को मालपुआ का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। 3 अक्टूबर 2019 दिन गुरुवार, नवरात्रि का पांचवा दिन, माँ स्कंद माता पूजा। इस दिन अच्छी सेहत की कामना के लिए माता को केले का भोग लगाना चाहिए। 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार, नवरात्रि का दिन छठा, षष्ठी माँ कात्यायनी पूजा। इस दिन माता को शहद का भोग लगाने से जीवन में मधुरता आती है। 5 अक्टूबर दिन शनिवार, नवरात्रि का सातवां दिन, सप्तमी, माँ कालरात्रि पूजा। इस दिन आने वाले संकटों से मुक्ति पाने के लिए माँ कालरात्रि को गुड़ या इससे बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 6 अक्टूबर दिन रविवार, नवरात्रि का आठवां दिन यानी अष्टमी, माँ महागौरी दुर्गा महानवमी पूजा। माता के इस रूप को नारियल का भोग लगाना चाहिए। 7 अक्टूबर दिन सोमवार, नवरात्रि का नौवां दिन यानी नवमी, माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि प्रणा। इस दिन देवी माँ को तिल या अनार का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।